गाजियाबाद का यह वायरल वीडियो देखिए और वीडियो में कहा है क्या है और इसमें क्या कार्रवाई हुई है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए कि दो दुकानदारों में आपस में झगड़ा हो रहा है और एक की कारपेंटर की दुकान है तो वह लंबा डंडा लेकर एक दूसरे दुकानदार को पीट रहा है। वहीं दूसरी दुकानदार अपने साथियों के साथ पड़ोसी दुकानदार को रुई की तरह धुन रहा है। जैसे जैसे झगड़ा बढ़ा, युद्ध करने वालों की संख्या में इजाफा भी हुआ। बताया जा रहा है कि पड़ोसी दुकानदारों में दुकान के सामने कूड़ा डालने को लेकर यह विवाद हुआ था। पहले जुबानी जंग शुरू हुई और जुबान की जंग धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर 3 में एक पक्ष मोहम्मद अली की शीशे की दुकान है जबकि दूसरे पक्ष अख्तर की कारपेंटर की दुकान है। दोनों पक्षों में दुकान के आगे कूड़ा डालने को लेकर जमकर मारपीट हुई है। पुलिस में एक पक्ष की और शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। वहीं अब वीडियो वायरल होने के बाद से वीडियो का कहना है पुलिस का इस पूरे वीडियो पर कि वीडियो का संज्ञान ले लिया गया है और इस पर जो दोषी हैं उन्हें चिन्हित करके अब कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि थाना इंदिरापुरम के वसुंधरा चौकी के सेक्टर 3 का होना बताया जा रहा है। इसमें कल ही अर्थात 18 जनवरी को ही रिपोर्ट दर्ज करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है।